अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक मस्जिद में अजान की आवाज और सलाम पढ़ने की आवाज से करीब में रहने वाले एक रिपोर्टर और इनकी अहलिया को ये आवाज से था एतराज। ये कहना मस्जिद के इमाम साहब का है, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई। पुलिस ने आकर जब दरियाफ्त किया, यहाँ पर बात कुछ और ही निकली। अजां से और मस्जिद में सलाम पढ़ने से भले मुसलमान को क्यों होगा इतराज। हमीद रिपोर्टर और इनकी अहलिया का कहना यह है कि अजां से और सलाम से इन्हें कोई इतराज नहीं, लेकिन मस्जिद में नमाज और सलाम के बाद क्या बजाया जा रहा है, आप धपड़ा कहिए या बाजा कहिए, हमने तो कोई मस्जिद में भी ऐसा नहीं देखा बजाते हुए। अगर किसी को इतराज भी हो रहा है इस बाजे से, उसूलन नहीं बजाना चाहिए। इस पर इमाम साहब ने किस तरीके से बात किया आप ये देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा, अगर आपको यहाँ पे आवाज से है इतराज तो घर खाली करके चले जाओ, ये बात करने का तरीका ठीक नहीं है। हम बाजा बजाते जाओ, कुछ भी करेंगे, घर खाली करके चले जाओ, ये कहना इमाम साहब का था। क्या ये ठीक है, आप फैसला करिए। ये एक तरफा तो आपने सुन लिया, रिपोर्टर की जो अहलिया इनकी भी बात सुनिए और फैसला आप करिए। आपस में ये हमारे लोग छोटी छोटी बात को लेकर क्यों लड़ रहे हैं, आप खुद देखिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मर्जी साहब, मजा लेते हैं, मनाता पढ़ लेते हैं, कई को खुदा खींच रहे। आप डालो मीडिया में क्या करते थे, मतलब ये समझ रहेगा छोटे छोटे बच्चे। बरकात हो, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है, मस्जिद अहमद रहमतुन्निस आगे बाजू का रहता हूँ। मैं भी पड़ोसी मस्जिद का बराबर प्रॉपर नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं परसों एक हादसा हुआ मस्जिद में, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अहले हदीस या अहले सुन्नतुल जमात की कोई आपस की बात नहीं है, छोटी बात का बड़ा फसाना बनाया जा रहा है। बाद फजर की नमाज़ के बाद सलाम हुआ स्पीकर पे, और उसके बाद दफ बजाया जा रहा था मस्जिद में। जो हमीद भाई रिपोर्टर साहब हैं, उन्होंने एतराज़ करे कि भाई मस्जिद में दफ क्यों बजाया जा रहा है। उस पर बहस हुई, यानी हमीद भाई के वाइफ के ऊपर कुछ नाजिबा बात की गई है। जो इमाम थे मस्जिद के, खादर साहब नाम है उनका, छोटी बात पे बड़ी बहस हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसमें अहले हदीस अहले सुन्नत का मसला उठाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। आपस का मसला है, मस्जिद का है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान भी आए थे, बात ख़त्म हो गई ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उछाला जा रहा है, जो बहुत गलत बात है। मस्जिद का मसला है, मस्जिद के पड़ोसियों का ख्याल का मसला है। बराए मेहरबानी इस मसले को ज़्यादा फैलाओ नहीं भाई, जो जो भी देख रहे हैं ये सुलझ जाएगा, ऑलरेडी सुलझ गया है, कोई बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के फाउंडर हैं, मुतवल्लियन हैं, सब मिल रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रेशमा खान, पहाड़ी शरीफ, राजीव गांधी नगर, अहमद रहमतुन्निसा मस्जिद के बारे में कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है क्राइम रिपोर्टर हमीद के नाम से। दरअसल ये लड़ाई है छेड़म छड़ी की, इसके रुख कुछ और दिया जा रहा है। हम लोग दो तीन दिन से सिर्फ देख रहे थे कि लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या तमाशा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की है, आप देखिए यहाँ पे एक मस्जिद की खिड़की है जो हमारे अपोजिट डोर के सामने है। हमारे घर में जवान बच्चियाँ हैं, हम ये चीज़ के लिए इतराज़ करें कि आप लोग ऐसा मत ठहरो, मत झाको। फिर इसके बाद रमज़ान का महीना था, अच्छा नहीं लगता कुछ तमाशा करना, ज़िम्मेदारों को ही मस्जिद के बोल दिए, हो गई थी बात। नमाज होती है फजर में, इसके बाद सलाम होता, फिर इसके बाद धपड़ा बजाना शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक धपड़ा ला रहे हैं, बजा ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप जमा किया जा रहा है, चीख पुकारा 7:30 तक कराए। हम लोग सिर्फ इतना बोले कि देखिए हम लोग नमाज़ पढ़े, अब कुरान पढ़ने दीजिए, हमको इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग, माइक लगा के मत करिए, नमाज़ ठीक है, सलाम पढ़ना ठीक है, मगर धपड़े उपड़े क्यों बजा रहे, सोने दियो हमको, हम लोग भी सहरी करते हैं, आप लोग ही मुसलमान नहीं है। जा हमारे हस्बैंड जगह हमीद जाके वहाँ पर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, वो तो वीडियो निकाले, बच्चा जो धपड़ा बजा रहा था उसकी वीडियो है, वीडियो निकाल के लाए तो क्या कर रहा है, वीडियो निकाल रहा क्या करता, डाल जा तेरी मीडिया क्या उखाड़ लेती, तू क्या उखाड़ लेता, जो करता कर, बोल के गैर गलत अल्फाज यूज़ करा रहे हैं।
यूज़ करने के बावजूद मैं उनको घर पे इसलिए बुला रही, आप आ जाइए चुकैखो लौंड बच्चा है, उसके मुँह को क्यों लग रहे हैं आप, मैं समझा के बोलती हूँ। बोल के फिर मैं जाके उसको समझा के ये बोली, देखो माँ आप थोड़ा सोने दो हमको, नमाज हो गई सलाम हो गया ना, धपड़े अपड़े क्यों बदमाशी का बजा रहे हैं आप, छेड़म छाड़ी का हम लोग इससे पहले आपको जिक्र कर रहे थे, आपको समझाए थे, उस वजह से आप ये दिल में रख के क्यों तमाशा निकाल रहे हो, उधर जागे जा क्या उखाड़ लेती उखाड़, उन्हें सोना नहीं, हम लोग काम पे जाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, वो तो दोपहर में सो सुबह सोना तेरा ज़रूरी है, हाँ जाती नहीं माँ की ओड़ी बगैर गलत अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। खैर ये बाद में 100 को डायल करके यहाँ पर पुलिस को बुलाई, पुलिस आई बाद बाहर निकला, उन्हें लॉक करके अंदर ही बैठा था, बाहर निकल के आया, आके ये बोला कि साहब आप मेरे को नहीं पहचानते। तो पुलिस वाले ये बोले, पहचानते रहे भाई, तू गलत करा तो गलत है ना, क्यों तकलीफ़ दे रहा, नहीं पहचानते तो पहचान लेके हम क्या करेंगे। इसके बाद इन्हें मेरा हाथ पकड़ा, जा बहन केड़ी जाके आकारती उखाड़ ले, पुलिस वाला है तो इशारी कर रही क्या बोल के, क्या सुना लेती थरी बोल के, हाथ पकड़ के गाली देके धकेलने के वजह से मैं इसको मारने गई, अभी मारी नहीं मारने गई, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ा हमारे घर पे हमारी इज्जत पे हाथ डालेंगे तो हम तो करेंगे ना, इमाम है तो नहीं किसी पे हाथ डाल सकता या गाली गलौज कर सकता, किसी की लड़कियों को छेड़ सकता है, ये मैटर इसको रुख कुछ और दिया जा रहा है कि ये वहाबियाँ अहले हदीस की लड़ाई है, अहले हदीस और सुनियों की लड़ाई बना रहे हैं इसको, इसको कुछ और मोड़ देना चाह रहे हैं ये लोग, इश्यू इसका बहुत बड़ा कर रहा है, बच्चे का बाप जाहिल है, अनपढ़ गंवार है, अनएजुकेटेड लोग ऐसे ही होते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको मालूम है ये अल्लाह का घर है, नमाज तो सभी पढ़ते हैं, सलाम तो सभी पढ़ते हैं, इबादत तो सभी करते हैं, इसको कुछ और मैटर बनाया जा रहा है, ये वहाबियाँ सुनिया बकिंग को लड़ाया जा रहा है, इसका इशू इसमें बदला के उन्होंने दिमाग से अपने बेटे की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो छेड़म छाड़ी ऊपर से गाली गलौज हाथ पाथ पकड़ के बदतमीजी करने के इशू को, ये बात को उठा के इन्हें बहुत बड़ा इशू बनाना चाह रहे हैं, ना तो ये अहले हदीस की है, ना तो ये सुन्नी की लड़ाई है, अल्लाह का घर है, किसी की कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई, ये सब गलत अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं, ये लड़ाई बच्चे के कैरेक्टर अच्छे नहीं है, बच्चे के तरफ से हुआ, इसका बाप जाहिल गवार आके यहाँ पे तमाशा कर रहा और वीडियो हमारे घर की निकाल रहा, निकाल के ये वीडियो निकाल के ये ग्रुपों में डाल रहा और वीडियो निकाल के पर्सनल व्हाट्सअप कर रहा कि हमीद के जवान बेटियों पे चढ़ो जाओ बल्कि ऐसे गंदे अल्फाज यूज़ कर रहा, और हम अगर इसकी वीडियो की पूरी हम अगर वीडियो है इसका, हमारे घर पर कैमरे लगे हुए हैं, फोटोज है हमारे पास, प्रूफ वीडियोस है, हम अगर हर चीज़ का एविडेंस है और पब्लिक को जमा करके ला रहा, गंजे टीम को और छोटे छोटे बच्चों की टीम जमा करके ला रहा, पूरी घर की सुबह शाम वीडियो निकाल रहा, तमाशे कर रहा, गलत गलत बातें कर रहा, और मेरे को जो है सो मैं टेरेस पर जाकर कपड़े निकाल रही थी तो ये बोल रहा था कि तू रहना आगे ये पहाड़ी में, न तो मैं रहना, तेरा जाति घर है तो तू बेच के जाना, किराए का है तो खाली करके जाना, बच्चे का नाम खादर है, उसके बाप का नाम जाहिल का वो नहीं मालूम, एक नंबर का जाहिल है, ये अल्लाह का घर है मेरे भाई, गलत इश्यू बनाया जा रहा है, चल मीडिया वाले मिर्ची मसाला लगा के इसको बहुत बात फैला रहे हैं, ये गलत बात है, ये चैलन वो चैलन, ये मीडिया वालों का काम है एक दूसरे की खिंचाई करना, दो तरफ का नहीं देखे, वन साइड का डाले, ये बहुत गलत है, जो भी वन साइड ये डाले जो वायरल गलत कर रहे हैं न्यूज़, इंशाल्लाह ताला उनको साइबर क्राइम में हम केस करेंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद जो पीछे देख रहे हैं, मैं वहाँ का इमाम हूँ मैं वहाँ का, फजर के टाइम पे रोज़ हमारा सलाम पढ़ रहे थे, जो बाजू है लेवल ना एतराज़ कर रहे सलाम नहीं पढ़ना, हमारे को तकलीफ़ हो रही वो हो रही बोल के एतराज़ कर रहे सलाम नहीं पढ़ना बोल के, उनको तकलीफ़ हो रही बोल के, मैं बोला उनको तकलीफ़ आपको हो रही तो यहाँ से अब यहाँ से चल जाइए या मत रहिए बोल के, बोले तो नहीं, पुलिस वालों को बुला के वो करके ये करके हमारे को यानी चप्पलों से मारे, पुलिस के सामने चप्पल से मारे लेडीज़, पुलिस वाले भी कुछ भी ना करें, और क्या बोल के बोले तो है नहीं, हम वो है ये है बोल के बोल रहे, रिपोर्टर है बताए उन्होंने, हमीद रिपोर्टर है उनका नाम, यहाँ मस्जिद के बाजू ही रहते, रमज़ान शुरू जब से दमदम कर रहे उनके लेडीज़ वाइफ, तराबी के टाइम पर भी मैक में पढ़ा तो आवाज़ वालीम कम करो वो कम करो ये कम करो बोल के बोल रहे, अजान मैं अजान की आवाज़ भी फुल आ रही बोते बहुत आ रही बोते उसके बारे में बोल रहे। ये कब का वाकया है? ये कल सुबह का वाकया है, कल सुबह का है, रमज़ान शुरू हुआ जब से, पहले से तो है रमज़ान शुरू हुआ जब से, मगर कल ज़रा और किसी को भी परेशानी है? किसी को परेशानी नहीं है इनके अलावा, किसी को परेशानी नहीं है, दूसरा जाना कोई आके कुछ भी नहीं बोला, सब आके बोल रहे, सो इन्हें जाके बोल रहे। मस्जिद कमेटी वालों ने बात की यहाँ पे? मस्जिद कमेटी वाले, मस्जिद की कमेटी नहीं है, खाली कमेटी नहीं है, कमेटी जाके बना के रखे, मेंटेन करते हैं उन्होंने, खुद जो जगह इमाम को रखते हैं उन्होंने, खुद निकालते हैं उन्होंने, खुद खर्चा चलाते हैं, किसी बस्ती वालों से भी एक रुपया नहीं मांगते। और जो है कि मैं जो है कल फिर बच्चे को जो है कि पुलिस चप्पल से मारे पुलिस वालों के सामने का वाकया है,
और बच्चे जो सके भी जो सके वीडियो बनाए सो है, मेरे पास भी कुछ रिकॉर्डिंग है उसकी, मैं जो सके वो रिकॉर्डिंग भी जो सके मीडिया के थ्रू मैं डालूँगा। और जो सके मैं बच्चा को पुलिस स्टेशन को लेके गए, लेके जाने के बाद जो सके पुलिस स्टेशन में बिठा दिए, बच्चे का फ़ोन ले लिए और घर में हमारे को नहीं मालूम। रमज़ान का महीना था तो जो सके रमज़ान रोज़े में रहता था बच्चा, तो जो सके कभी कभी मस्जिद में भी लेट जा रहा था, तो हम भी सोचे कि मस्जिद में लेट आऊँगा, तो लिहाजा जो सके हमारे को मस्जिद में है बोल के हम सोचे, वो जो सके बच्चे के ऊपर ये हादसा हुआ, होने के बाद जो सके पुलिस स्टेशन में ले आके बिठा दिए। बिठाने के बाद ये बस्ती वाले कुछ लोग जो सके कुछ यहाँ के बस्ती के लीडरों को काउंसलर को फोन वगैरह करके उस करे, और बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ के मुजावरा और जो सके नम्मू भाई बोल के काउंसलर है पहाड़ी शरीफ के वार्ड के, तो उन्होंने भी जो सके पुलिस स्टेशन को पहुँच के पूरे लोग जो सके ला लिए। बच्चा घर पे आया तो जब वाक़ बताया हमारे को मालूम हुआ घर पे, तो फिर मैं जो सके कुछ काम से गया हुआ था, मैं एक छोटा मोटा काम नौकरी करता हूँ, वो नौकरी को गया हुआ था, तो उससे मैं जो सके वो फारिग होकर मैं घर पे आया, आकर के फिर मस्जिद को आया, मस्जिद को आके मस्जिद से जो सके पुलिस स्टेशन को लेके गया मैं मेरी तरफ से कम्प्लेंट करने के वास्ते, और कम्प्लेंट करने के वास्ते गया तो भी जो सके वहाँ सर्कल जो सके भी मेरे को हम कोरोना का टाइम है ये है हमारे को बिजी है हम जाने वाले ये बोले, ना ऐसा कैसा होता ये बिजी से बिजी काम है बोला मैं, बोले तो जो सके फिर जो सके नहीं कंप्लीट लिखा हुई है वो बोल के बोले कंप्लीट लिखा हो बोले, तो कंप्लीट लिखा के मैं आया, फिर सुबह में आओ बोले, कल सुबह में आया बोले, तो भी मैं गया बैठा साढ़े नौ दस बजे से बैठा हुआ, तो जो सके बारह साढ़े बारह बजे तक के जो सके वो एक गोरे भाई बोल के है और एक हमीद भाई उसकी बीवी, हमीद रिपोर्टर की बीवी, ये तीनों जो सके पुलिस स्टेशन आए, आ करके जो सके बोले, फिर जो वही वहाँ आके जो सके जो भी हुआ जान दो हुआ क्या हुआ कहीं को हुआ कहीं के आवाज़ से हुआ इतना क्या हुआ के जो सके मस्जिद के इमाम को जो सके अहले सुन्नतुल जमात के इमामों की जो सके हैदराबाद के अंदर जो सके सिकंदराबाद के अंदर तेलंगाना के अंदर क्या अहले सुन्नतुल जमात के इमामों की खदर नहीं है क्या है दुनिया में, अहले सुन्नतुल जमात के लोगों को चप्पलों से मारेंगे क्या, और फिर जो सके मेरा जो सके मैं इमाम का वालिद साहब हूँ मैं, तो मैं जो सके बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चों को जो इमामत को जो करने वाले को जो सके चप्पल से मारे मस्जिद के सामने ठहरा करके पुलिस वालों के मौजूदगी में, पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोलते, तो महमूद अली जो सके होम मिनिस्टर बोलते हैं, जो सके कंट्रोल रूम को फ़ोन करना था तो जो सके बोलते कहीं ये केस में मैं ये वाक़ सुना था, उन्होंने बोले थे क्लिप एक मीडिया पर रिपोर्ट में दिए थे कि महमूद अली साहब बोलते हैं कि कंट्रोल रूम को फ़ोन करते तो जो सके जान बच सकती थी बोले, तो पुलिस वाले मौजूदगी है, पुलिस वालों के मौजूदगी में जो सके एक इमाम साहब को चप्पल से मारे, फिर पुलिस वाले ले आके मेरे बच्चों को पुलिस स्टेशन में बिठा रहे, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का तेलंगाना है, कहाँ का सेकुलर मिनिस्टर है ये केसीआर जो सके सेकुलर मिनिस्टर महमूद अली साहब ये बोलते हर दम बोलते सेकुलर मिनिस्टर है हमारे तेलंगाना के मिनिस्टर के वजह से पूरे हिंदुस्तान में कोई मिनिस्टर नहीं है बोलते, सेकुलर मिनिस्टर क्या है, सेकुलर कानून क्या है, सेकुलर जो सके मुसलमानों के वास्ते क्या करे सेकुलर, आप तेलंगाना गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? तेलंगाना गवर्नमेंट से यह चाहता हूँ कि जो सके मेरे बच्चों को जो सके मस्जिद के सामने इमाम को अहले सुन्नतुल जमात के यकीदे के मस्जिद के इमाम को जो सके चप्पल से मारे उसका मेरे को भरपूर इंसाफ होना, तेलंगाना गवर्नमेंट मेरे को इंसाफ करे ही ठीक है, नहीं तो भी जो सके मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी मैं पहुंच के जो सके भी फिर भी मैं जो सके इसका खुलासा करके मैं इसका इंसाफ करवा के लूंगा, मैं हक से मेरा हक मेरे को होना। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन, एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।